अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदित का प्रणाम नमन। मित्रों, मंत्र संबंधी हम बातचीत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आसन के संबंध में। देखिए, आसन इतना इंपॉर्टेंट विषय है जिसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। मंत्र आप जपते हैं, कोई पूजा पाठ उपासना करते हैं, तो सबसे पहला नियम तो यही है कि बिना आसन के कोई भी मंत्र सिद्धि देता ही नहीं। सीधे जमीन पर, कोरी जमीन पर, आप नंगी जमीन पर बैठकर आप जप करेंगे या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो आपको फलित नहीं होगा। ये मान लीजिए इस बात को। तो आसन होना ही चाहिए, लेकिन अब आसन किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे। बांस के आसन पर बैठकर जप करने से दरिद्रता बढ़ती है, इसी प्रकार से पत्थर के आसन पर बैठकर जप करने से रोग बढ़ता है, इसी प्रकार से लकड़ी के आसन पर जब आप जप कर रहे हैं तो उससे दुर्भाग्य की वृद्धि होती है। तृण के आसन पर यानी तिनकों के आसन पर बैठकर अगर आप जप कर रहे हैं तो उससे यश की हानि होती है, अपयश मिलता है। पत्तों के आसन पर बैठकर आप जप कर रहे हैं तो चित्त की भ्रांति होती है, मानसिक भ्रम उत्पन्न होने लग जाते हैं, बुद्धि क्षीण होने लग जाती है, याददाश्त कमजोर होने लग जाती है पत्तों के आसन पर बैठकर जप करने से। तो जप करने के लिए तीन ही प्रकार के मुख्य आसन बताए गए हैं सामान्य व्यक्ति के लिए, रेशम का आसन, कुशा का आसन और कंबल का आसन। कुशा यानी जो कांस या डाब जिसको बोला जाता है, एक पौधा होता है उसकी, घास जैसा पौधा होता है, उसका आसन बना होता है कुशा जिसको बोला जाता है, डाब हमारे सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं। रेशम का आसन हो बहुत सुंदर, कुशा का आसन हो बहुत सुंदर, कंबल का आसन हो बहुत सुंदर। उसके बाद व्याघ्र चर्म और मृग चर्म, और ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, ये उस जमाने की बातें हैं जब ये सब रेशम और ये सब उपलब्ध नहीं होते थे, तो उस समय की बातें हैं, उनको छोड़ दीजिए। फिलहाल आम सामान्य गृहस्थ की बात करेंगे। कंबल का आसन, कुशा का आसन, रेशम का आसन, तीन में से कोई भी आसन आप ले सकते हैं अपने जप के लिए। आसन रोम रहित होना चाहिए। जो भी आसन आप ले रहे हैं उसमें बारीक 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 डोरे निकले होते हैं, फटा हुआ आसन, कटा हुआ आसन, पुराना गंदा आसन, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। रंगों की बात करें तो हनुमान जी, देवी दुर्गा, गणेश की उपासना कर रहे हैं तो लाल रंग का आसन प्रशस्त किया गया है। माँ पीतांबरा, बगलामुखी की उपासना कर रहे हैं तो पीले रंग का आसन प्रशस्त किया गया है। महादेव की उपासना कर रहे हैं तो श्वेत जो है आसन आपको प्रशस्त किया गया है। माँ काली की उपासना कर रहे हैं, कोई तांत्रिक अभिकर्म कर रहे हैं तो काले रंग का आसन भी कहा गया है। रंगों में अगर जाएं तो मेरा मानना ये है कि देवता की उपासना अपनी जगह पर है, फिर आपकी कामना क्या है, कामना के अनुसार भी आसनों के रंग बदलते रहते हैं। यदि आपको यश की कामना है तो आप किसी भी कलर का आसन, कोई भी रंग बिरंगा आसन, आप कलरफुल आसन आप ले सकते हैं। धन की आपको कामना है तो पीले रंग का आसन, यश की कामना है तो पीले रंग का आसन, लाल रंग का आसन सॉरी, शत्रु विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल रंग का आसन, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल रंग का आसन, आकर्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो सफेद कलर का आसन, शांति, मानसिक शांति चाहते हैं तो सफेद रंग का आसन, ये इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपके सामने कुशा के आसन का अगर विकल्प मौजूद हो तो कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर आसन में एक नियम यह भी होता है कि किसी अन्य व्यक्ति के आसन पर बैठकर आपको जप नहीं करना चाहिए। अपने आसन पर किसी और को बैठने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अपना आसन सिर्फ अपना होना चाहिए, अपना आसन, अपनी माला, अपनी गोमुखी, ये अपना ही होना चाहिए। किसी और का न तो उपयोग करना चाहिए, न अपना किसी और को उपयोग करने के लिए देना चाहिए। तो ये आसन के बारे में एक छोटी सी बात मैंने की। और भी आपको मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, नहीं तो यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मैसेज करके पूछ लें, मैं उसमें आपको उत्तर दे दूंगा। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।